हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरपी शर्मा, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जसवी न्यूज़ अपडेट्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने आ रही है कि आरओ एआरओ की वैकेंसी जुलाई तक संभवतः निकाल दी जाएगी, क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन पे हाई कोर्ट में कार्य जारी है और 1 हफ्ता या 10 दिन के अंदर इसकी पूरी नोटिफिकेशन पे कार्य पूरा हो जाएगा। और जैसे ही कार्य इसका पूरा हो जाएगा तो 20 जुलाई तक इसका नोटिफिकेशन सरकारी रिजल्ट के माध्यम से या हाई कोर्ट की वेबसाइट पे निकाल दिया जाएगा। इसमें पद की बात करते हैं, उसकी पद की हम देखते हैं कि लगभग 500 पद अभी तक माने जा रहे हैं कि 500 पद से भर्ती कम नहीं रहेगी। तो ऐसे में प्रतियोगी छात्रों के लिए एक बहुत ही बड़ा सुनहरा अवसर है, क्योंकि इधर 1.5 साल से इलाहाबाद हाई कोर्ट से कोई भर्ती नहीं निकली है, चाहे ग्रुप सी की हो, चाहे ग्रुप बी की, या APS की भी भर्ती नहीं आई है। तो इस तरीके से यदि भर्ती स्टार्ट हो जाएगी जुलाई से, तो सहायक समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, फिर APS, फिर ग्रुप सी, ग्रुप डी, ऐसे पोस्ट की भर्ती स्टार्ट होनी चालू हो जाएगी, क्योंकि इस समय अधीनस्थ से भी कोई भर्ती नहीं आ रही है। तो ऐसे में प्रौद्योगिकी छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी उम्मीद की एक है कि कोई भर्ती तो आए कम से कम। तो ऐसे में यदि भर्ती आ रही है तो इसमें प्रौद्योगिकी छात्र फॉर्म फिल करके और इसकी तैयारी करें, और यदि जुलाई में भर्ती आ रही है तो अभी से इसकी तैयारी करना चालू कर दें। और इसकी जो प्रोसेस है, क्या फॉर्म भरने का रहता है कि अभी तक इसमें जो ग्रेजुएशन मांगता था समीक्षा अधिकारी में और APS में, और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका कंप्यूटर कोई डिग्री होनी चाहिए। तो कंप्यूटर में अभी तक आपके पास होनी कोई डिप्लोमा हो या CCC, दो में से कोई एक को मान्य हो जाए। जबकि हम बात करते हैं लोकसभा आयोग की, तो लोकसभा आयोग में देखते हैं कि वहाँ सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए ओ लेवल कंपल्सरी रहता है वहाँ, यानी कि वहाँ आपका कोई अदर कंप्यूटर डिग्री या CCC काम नहीं चलता है, वो भी ओ लेवल की डिग्री नीलेट से होनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो हाई कोर्ट में सहायक समीक्षा भर्ती आती है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं, इसमें कोई कंप्यूटर डिग्री, 1 ईयर डिप्लोमा किसी इंस्टीट्यूट की है आपकी मान्य होती है, या तो आप CCC रहे मान्य होती है। बस आपको देखना है फॉर्म आप किस में अप्लाई करते हैं। इधर आप देखते हैं दो बार से जो भी भर्ती हाईकोर्ट हुई है, इसमें OBC के मेरिट फ्री में सामान्य से अधिक जा रही है। तो इसमें आप किसी में फॉर्म डाल सकते हैं, SC OBC हैं आपको इच्छा है यदि आप, तो आप सामान्य फॉर्म डाल सकते हैं अपने OBC में, जैसा पोस्ट है उसको देख के आप अपना फॉर्म फिल करिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम एंड करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।